नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। डीडवाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से बरसात का दौर जारी। डीडवाना में सर्वाधिक 158 mm बरसात दर्ज। कुचामन में 94 mm बरसात की गई दर्ज। नावा उपखंड क्षेत्र में 90 mm बरसात दर्ज। खबर नागौर जिले के डीडवाना से है, जहां मौसम विभाग ने दो दिन पहले एक अलर्ट जारी कर नागौर जिले में भारी बरसात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। रेड अलर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में जिले भर में भारी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। डीडवाना में जिले की सबसे ज़्यादा 158 mm बरसात दर्ज की गई है। भारी बरसात से किसानों को जरूर राहत मिली है, मगर डीडवाना में दो जगह पर कूजड़ पाड़ा में एक मकान का हिस्सा गिरा है, तो वहीं त्रिपोलिया बाजार में छत का एक हिस्सा गिरा है। वहीं मौलासन में घरों में पानी भर गया है, तो दूसरी ओर नावा के गोविंदी के नज़दीक रेलवे का एक पुल भी बह गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन रोका गया। ट्रेनों को डाइवर्ट कर डेगाना डीडवाना रतनगढ़ रेल मार्ग से निकाला जा रहा है। डीडवाना से लोकेश अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट।